इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की आंसर की अभी रिसेंटली आउट हुए है और इसमें सभी स्टूडेंट का डाउट है कि कट ऑफ हाई जाएगी गाइज, वो भी आपको बताऊंगा। और गाइज आपको बताऊंगा कि डीवी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी है और गाइज आपको बताऊंगा पोस्ट अलॉटमेंट आपका कैसे होगा, डीवी आपका इलाहाबाद में होगा या फिर आपके नियरेस्ट कोर्ट में होगा, सारी डिटेल यहाँ पे आपको समझाऊंगा। गाइज सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे कट ऑफ का। गाइज मैंने रिसेंटली कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कट ऑफ इतनी जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि कट ऑफ हाई जाएगी। गाइस जरूरी नहीं है, पेपर वन में जो प्री एग्जाम था जिसने 80-90 मार्क्स किए, बेसिक एग्जाम का लेवल लो था, जरूरी नहीं कि जिसने 80-90 मार्क्स किए कि जो मेन एग्जाम होगा यानी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसमें वो हाई रैंक करेगा। हो सकता है इसमें हाई रैंक किया हो और हो सकता है इसमें लो किया हो या फिर इसमें हाई किया हो इसमें लो किया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और गाइज यहाँ पे एट्थ पास की वैकेंसीज थी, प्योन की वैकेंसीज थी, चपड़ासी की वैकेंसीज थी, माली की वैकेंसीज थी, गाइज ये सभी वैकेंसीज थी। मुझे पता है कि पढ़े लिखे कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है ये तो पता है, बट गाइज यहाँ पे आप ध्यान दो इतना कट ऑफ हाई भी नहीं जाएगा, 150-160 के आसपास कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। ये तो कट ऑफ की बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपको टाइमली बताऊंगा जब इसका पॉइंट आएगा। पहले बात करेंगे पोस्ट अलॉटमेंट की, ये पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा। गाइज यहाँ पे प्योन की वैकेंसीज आई है, ठीक है, माली की वैकेंसीज आई है, ठीक है, ये सभी वैकेंसीज आई है और यहाँ पे बहुत सारी ग्रुप डी की वैकेंसीज आई है जो कि यहाँ पे ग्रुप डी से भी लेवल नीचे की वैकेंसीज आई है, प्योन माली कुली ऐसे यहाँ पे वैकेंसीज आई है। पहली बात पोस्ट अलॉटमेंट आपको कास्ट को देख के दिया जाएगा, कोई भाई यहाँ पे बुरा मत मानना, ठीक है। अगर कोई माली फैमिली से है तो उसको माली का जो है पोस्ट अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, कोई धोबी फैमिली से है तो धोबी का यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, कोई ओबीसी से है तो ओबीसी से रिलेटेड प्यून का यहाँ पे काम दे दिया जाएगा, कोई एससी से है तो क्लीनर का काम यहाँ दे दिया, ऐसे यहाँ पे अलॉटमेंट या प्रीफेंस है कि अलॉटमेंट मिलता है। दूसरा प्रीफेंस ये है अगर यहाँ पे कुक की वैकेंसीज है, एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और गाइज एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको, अगर कुक की वैकेंसीज है तो यहाँ पे आप बता सकते हो सर मेरे पास 2 या 3 साल का कुक का एक्सपीरियंस है और मैंने यहाँ पे काम किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर ये मेरा आईटीआई का सर्टिफिकेट है, मैंने इसमें ये काम किया है तो मेरी जो डिजायर जॉब है वो मेरी कुक की जॉब है। तो ऐसा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, इतना कुछ यहाँ पे नहीं होगा। गाइज यहाँ पे आईएएस और आईपीएस लेवल का काम नहीं है कि यहाँ पे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तुरंत ही आपको यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपको ये दे दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है अगर आपके कोई नियरेस्ट कोर्ट है, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी चाहिए, कई कोर्ट इसके अंडर में है और गाइज यहाँ पे ये हाउस रेंट अलाउंस को घटा के, बहुत सारे अलाउंस को घटा के आपको नियरेस्ट कोर्ट जो है वो आपको दे देते हैं, ठीक है। जब आपको नियरेस्ट कोर्ट मिलेगा आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे कौन सी वैकेंसीज खाली है, सपोज करो आपको कुक का काम नहीं आता है करना और आपके नज़दीकी जो है वहाँ पे कुक की वैकेंसीज है वो आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ अगर आपको प्योन का काम भी नहीं आता तो आप प्योन का काम कर लोगे। कुक का काम एक अलग क्राइटेरिया रखा जाता है और प्योन का तो ऑलमोस्ट जिसको काम नहीं आता वो भी कर लेगा, वहाँ पे झाड़ू पोछा चाय पानी ये ऑफिस का काम रहता है, ऑफिस बॉय का काम रहता है, वो तो यहाँ पे सभी कर लेंगे। तो बहुत सारे सिनेरियो में यहाँ पे देखा जाता है, ऐसे यहाँ पे मुंह उठा के पोस्ट को यहाँ पे नहीं देते कि आपको चलो ये पोस्ट ले लो ये पोस्ट ले लो, आपकी शक्ल अच्छी है तो आप प्योन कर लो, आपकी शक्ल थोड़ी बुरी है आप माली और कुली कर लो, ऐसा बिल्कुल बने ही होता। और गाइज यहाँ पे देखा जाता है कुछ पोस्ट जो है वो पढ़ी लिखी वाली होती है, जैसे कि ऑफिस बॉय का काम है, थोड़े यहाँ पे आपको पेपर भी पढ़ने होंगे, भाई ये वाले पेपर है और वहाँ पे आप दे आओ और ये वाले पेपर है आप उस कोर्ट में पूछा दो। और गाइज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और गाइज आपके रैंक के हिसाब से भी यहाँ पे पोस्ट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, डीवी आपका जो होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा, कहीं डीवी नहीं होगा क्योंकि रिक्रूटमेंट जो आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई है और जहाँ से भी रिक्रूटमेंट निकलती है वहाँ पे पूरा एंड होता है, यानी आपकी जो एंट्री लेवल से लेके और ज्वाइनिंग लेवल तक वहाँ तक रहता है सारा चीज़, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेल है वो यहाँ पे पूरा काम करेगा, ठीक है। और आपको ज्वाइनिंग आपको नियरेस्ट जो भी आपका कोर्ट पड़ता है वो आपको दे देगा, ठीक है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, देखो भाई यहाँ पे 10
ट्वेल्थ ग्रेजुएशन है तो आप ये दे सकते हो, ठीक है, ये आप दे सकते हो। और आपके पास होगा भी, यहाँ पे एट्थ और टेंथ की वैकेंसी आई है और आपके पास ग्रेजुएशन लेवल होगा भी तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे पोस्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी चीज में एक्सपीरियंस लेटर है तो, और ITI का सर्टिफिकेट है, ये भी आप दिखा सकते हो कि मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट है, ये मेरी डिजायर जॉब है और मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो ये चीज आपके लिए है। और आपकी कोई डिजायर जॉब है, वो डिजायर जॉब का, डिजायर जॉब के लिए ही आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपने काम किया है अपनी डिजायर जॉब के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल सकती है, चांसेस बनते हैं, ठीक है। नंबर तीन पर कास्ट का सर्टिफिकेट। देखो STSC OBC वाले, जनरल वाले को तो कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, STSC OBC वाले हैं तो आपको जो है UP का कास्ट का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। कास्ट का सर्टिफिकेट देने के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर देना होगा, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। ये सब चीजें आप जो है रेडी रख के, ये सब चीजें लगेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इसमें एक सर्विस बुक होती है, या तो वो होगा या फिर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी होगा, दोनों में से एक हो तो आप एक यहाँ पे दे। फिफ्थ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और गाइस सिक्स जो हम बात करेंगे, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो सब आपको लेके जाना है। हालांकि जब एक एडमिट कार्ड आता है LDV का, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है स्टेप बाई स्टेप, आप ये डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे रेडी कर लो। और जो डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, जीरोक्स भी लेके जाने हैं, और 3-4 फोटो कॉपी भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। और गाइज अपने फोटो भी 4-5-6-7 फोटो भी आप रख सकते हो। गाइज ये रही पूरी डिटेल, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू गाइज।